बदलते भारत की शान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाएंगे। EIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान, तो छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी कहीं कहीं बरसेंगे बादल। बिहार और झारखंड में दो दिन बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं के आसार। पश्चिमी मध्य प्रदेश के खंडवा में अधिकतम तापमान रहा 40.1 डिग्री। गुजरात के वलसाड में न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में बताएंगे आपको कि आगे आने वाले दिनों में कहां बरसेंगे बादल, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही बता दें, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलने और साथ ही साथ ओले पड़ने के आसार बने हुए हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आज बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और ओले पड़ने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। आज उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और ओलावृष्टि के आसार भी नजर आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की बात करें तो यहां पर कुछ एक इलाकों में कल बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और साथ ही ओले पड़ने के भी आसार बने हुए हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में आज बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने और साथ ही साथ ओले पड़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और ओले पड़ने के भी आसार बने हुए हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। जान लिया आपने कि आगे आने वाले दो दिनों की हम बात करते हैं तो क्या कुछ खास गतिविधियां रह सकती हैं मौसम के हाल में। बढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। बता दें आपको कि उत्तर के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों की हम बात करेंगे तो यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। साथ ही साथ पूर्वी भारत में भी कुछ एक इलाके हैं जहाँ पर बादल बरस सकते हैं। वहीं पश्चिमी राज्यों में भी संभावनाएं हैं वर्षा होने की। और बता दें कि दक्षिण भारत में भी कुछ एक इलाके हैं जहाँ पर पानी बरस सकता है। तो आगे आने वाले दो दिनों में देश भर में बरसात का हाल कैसा रह सकता है, आइए जानते हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी दो दिन कई इलाकों में बादल बरस सकते हैं। इसके अलावा दो दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर बरसात के आसार हैं। दो दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल बरसेंगे। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी दो दिन कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में दो दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में कुछ जगह बारिश के आसार हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में दो दिन कुछ स्थानों पर पानी बरसेगा। दो दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में दो दिन कई इलाकों में वर्षा का अनुमान है। दो दिन असम और मेघालय में कई स्थानों पर बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में दो दिन बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो दो दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह वर्षा होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी दो दिन कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। पश्चिम भारत में दो दिन गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और कोंकण गोवा में भी बरसात के आसार नहीं है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में दो दिन बारिश नहीं होगी। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। दो दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में पानी नहीं बरसेगा।
कल तमिलनाडु और पुदुचेरी में इक्का दुक्का हिस्सों में बरसात का अनुमान है। दो दिन तटीय उत्तरी और दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में बारिश नहीं होगी। दो दिन केरल में कहीं कहीं बादल बरसेंगे। दो दिन लक्षद्वीप में बादल नहीं बरसेंगे। अंडमान निकोबार में दो दिन इक्का दुक्का इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। तो अभी आपने देखा मौसम पूर्वानुमान और जान लिया कि आगे आने वाले दो दिनों की हम बात करते हैं तो देश के वो कौन से इलाके हैं जहां पर पानी बरस सकता है और कहां कहां मौसम साफ बने रहने के आसार है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं, आगे बता देते हैं आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे, क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कई जगहों पर बरसात हुई। इसके साथ ही बात करेंगे असम और मेघालय की तो यहां पर भी इक्का दुक्का स्थानों पर बादल बरसे। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। बात करेंगे झारखंड की तो यहां पर भी इक्का दुक्का हिस्सों में पानी बरसा। मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। वहीं तमिलनाडु और पुदुचेरी की बात करें तो यहां पर भी इक्का दुक्का इलाकों में बरसात हुई। वहीं इसके साथ ही केरल और लक्षद्वीप में भी पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर पानी बरसा। तो जाना आपने कि देश के कौन कौन से इलाके हैं जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा दर्ज की गई। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तापमान के हाल की और सबसे पहले आपको यहां पर बताएंगे अधिकतम तापमान का हाल। पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। बता दें आपको झारखंड में अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया तो वहीं मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। गुजरात के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया। वहीं मराठवाड़ा में भी कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। इसके विपरीत उत्तरी आंध्र कर्नाटक में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। इसी बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश में रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश के खंडवा में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान का हाल किस प्रकार रहा। इसके साथ आपको अब जानकारी दे देते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। बता दें कि उत्तराखंड के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं असम के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। और इसी बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान गुजरात के वलसाड में रहा। यहां पारा 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने न्यूनतम तापमान का हाल पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार दर्ज किया गया। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कैसे करें बेबी कॉर्न की खेती। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे खेती किसानी की, और खास तौर पर हम आपको बता दें कि ये जो मौसम है खेती किसानी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई फसलें हैं जो पककर तैयार हो गई हैं कटाई के लिए और कई फसलें हैं जिनका चयन किया जा सकता है बुआई या रोपाई के लिए। तो इस मौसम को ध्यान में रखते हुए किस तरह के कृषि कार्य आप कर सकते हैं अपने खेतों में, जानने के लिए आइए देखें ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च की पौध लगाने का काम करें। इन दिनों हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में किसान पहले से खोदे गए गड्ढों में सेब की पौध की रुपाई कर सकते हैं। गौरतलब है कि सेब के पौधों की रुपाई दिसंबर से लेकर मार्च तक के महीने में की जा सकती है। ये समय सेब की रुपाई के लिए अंतिम समय है, इसलिए सही आकार के गड्ढों में सेब के पौधों की रुपाई करें और पौधे से पौधे के बीच उचित दूरी रखें। पौधों की रुपाई के समय ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें, साथ में विशेषज्ञ की सलाह से फफूंदी नाशक दवा का भी छिड़काव करें। अगर पहले ही पौधों की रुपाई कर चुके हैं तो तना छेदक और अन्य कीटों की निगरानी करते रहें। इस समय हिमाचल प्रदेश में अनार की रुपाई भी की जा सकती है। रुपाई के समय पौधों की खराब टहनियों की छटाई कर दें और इन पौधों को सीधी पड़ने वाली धूप से बचाएं। समय समय पर पौधों में सिंचाई करते रहें। वहीं कीवी के पौधों में भी सिंचाई की जरूरत है। पौधों की जड़ों में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग का काम करें। इसी तरह इस समय आम के बागों में भी खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि फूल आने की शुरुआत में कीट सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। किसानों को सलाह है कि वो आम के बागों में विशेषज्ञ की सलाह से कीटनाशक दवा का छिड़काव करें, आम के पेड़ों की क्यारियां साफ करें, बाग में मौजूद खरपतवार को उखाड़ कर नष्ट कर दें। बागों में सिंचाई का काम पूरा हो जाना चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च, खीरा, लौकी, कद्दू, करेला और भिंडी जैसी सब्जियों की रोपाई करें। घाटी क्षेत्र में खरीफ की सब्जियों की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। तो जाना आपने इस मौसम को ध्यान में रखते हुए आप कौन कौन सी फसलों का चयन कर सकते हैं अपने क्षेत्र के अनुसार बुआई या रोपाई के लिए, और साथ ही जो फसलें आपके खेतों में लगी हुई हैं उनकी बेहतर तरीके से देखभाल आपको किस प्रकार करनी है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बेबी कॉर्न की खेती की। बता दें आपको कि बेबी कॉर्न एक ऐसी फसल है जिसकी उपज साल भर ली जा सकती है और साथ ही साथ ये अच्छी आमदनी अर्जित करने का भी बढ़िया जरिया साबित हो सकता है। किस तरह से आपको इसकी खेती करनी है, किस तरह से अच्छा उत्पादन हासिल करना है, जानने के लिए आइए नजर डालें इस रिपोर्ट पर। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हो। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में एक हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में एक हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए एक हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। एक हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए।
इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। एक हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। एक हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो जाना, आपने अच्छी आमदनी अर्जित करना चाहते हैं तो आप साल भर बेबी कॉर्न की खेती को अपना सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप कुछ वैज्ञानिकों की सलाह लेते हुए प्रबंधन कार्य करें ताकि अच्छा उत्पादन तो हासिल करें ही, साथ ही साथ अच्छी आमदनी भी आपको मिल सके। आइए बढ़ते हैं आगे, मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें अब आपको बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए पूर्वी राजस्थान में ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई का काम कर सकते हैं किसान। पूर्वी राजस्थान में ही भिंडी की बुआई का कार्य भी इस समय किया जा सकता है। वहीं तैयार सरसों और चने की कटाई कर सुरक्षित स्थान पर ही उपज को भंडारित करें। वहीं तोरी जैसी सब्जियों की तुड़ाई समय पर कर लें किसान। समय पर बोई गई इसबगोल की कटाई के लिए समय अनुकूल है, सावधानी पूर्वक प्रक्रिया अपनाएं। जोधपुर और आसपास के इलाकों में ग्रीष्मकालीन चारे और बाजरे की बुआई का कार्य कर सकते हैं किसान। तो वहीं फलों और सब्जियों के पौधों में सिंचाई का कार्य कर लें। मिर्च और सब्जियों की फसल में निराई गुड़ाई का काम कर सकते हैं किसान। तो वहीं गेहूं, लहसुन और प्याज में रोग और कीटों की निरंतर निगरानी करते रहें। वहीं गेहूं और जौ की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई भी कर लें किसान। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको जानकारी दें मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों की। ये समय गन्ने की बुआई के लिए बिल्कुल अनुकूल है, तो इस मौसम में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान इसके लिए तैयारियां कर लें। इस समय कद्दू वर्गीय फसलों की बुआई करना फायदे का सौदा साबित हो सकता है किसानों के लिए। वहीं इन दिनों किसान कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजे की बुआई का कार्य भी कर सकते हैं। टिंडा और करेले की बुआई का कार्य भी इस समय कर सकते हैं किसान। आम के बागों में फूल आने शुरू हो गए हैं, ऐसे में इन्हें खास देखभाल की जरूरत है। आम के पेड़ों पर कीट पतंगों और रोगों का प्रकोप हो सकता है। आम की अच्छी पैदावार के लिए बागों में विशेषज्ञ की सलाह से ही दवा का छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश में तैयार सरसों की कटाई का काम कर लें। वहीं उत्तर प्रदेश में ही इस समय टमाटर, बैंगन, गोभी और ब्रोकली जैसी सब्जियों में हल्की सिंचाई कर लें किसान। तो वहीं गर्मियों के मौसम की सब्जियां और जायद की मक्का भी बो सकते हैं।
तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। हम उम्मीद करते हैं कि इनको ध्यान में रखते हुए अगर आप कृषि कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आगे चलकर अपनी फसलों की अच्छी उपज आप हासिल कर पाएंगे। तो बिल्कुल आइए इसके साथ बढ़ लेते हैं आगे और अब नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक ओडिशा में आज बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं आज और कल बिहार और झारखंड में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने और साथ ही साथ ओले पड़ने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में आज बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और ओलावृष्टि की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं आज छत्तीसगढ़ और विदर्भ में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान में आज बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने और ओले पड़ने के आसार बने हुए हैं। वहीं आज केरल में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। कल अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं बता दें असम और मेघालय में भी कल इक्का दुक्का जगहों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।